वेलकम बैक टू माय वीडियो जो जिस चैनल में है दिस इज वर्ल्ड कलर। अभी जा रहे हैं हम हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी। ये है बुडुल शाह जो हैरियट वॉट में पढ़ता है, इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इंस्टा कुछ पूछना हो या किसी कोई आ रहा हो हैरियट वॉट तो उसको मैसेज कर सकते हैं। और अपने भाई उल्लास भाई, मैं तो बस घूमने आया हूँ। हम तो घूम रहे हैं एकदम दोनों, मेन काम इसका है। सभी आज आंसर करेगा क्वेश्चन हमारे। हम रुके एक साइड हिल पोस्ट ऑफिस, भाई इधर रहते तो यहाँ से हम कौन से नंबर की बस पकड़ेंगे? 25, 25, 35 या 34 नंबर की बस। टिकट कितने की मिलती भाई? 4.5 वो निकाल लेने का, 4.5 में फुल डे हम उसमें ही घूमने वाले हैं आज। तू ऐसे रोज नजारा देखते हुए जाता था क्या? मस्त मजा आता है। विंटर में भी मस्त दिखता है, ये तो समर टाइम। विंटर पे भी अलग लेवल मजा आता है। कभी स्नोफॉल हुई क्या? स्नोफॉल होती है पर बहुत कम होती है, पर होती है तो फिर अच्छी 2-3 दिन तक होती है स्नोफॉल। ग्लासगो में भी होती है भाई, ग्लासगो का में है अपना भाई। क्या बात है, तो हो चुकी है भाई के यूनिवर्सिटी में एंट्री। अच्छा लग रहा है भाई को एकदम आके, बहुत टाइम बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से आना था पर वो हो नहीं पा रहा था, मेरा वीडियो व्लॉग मेरा खुद का बनाने का मेरा यूनिवर्सिटी। थैंक्स टू अमित भाई। मेरे को ऐसे एक क्वेश्चन पूछना था भाई को कि अभी समझो कोई यूनिवर्सिटी मतलब सिटी सेंटर में रह रहा है और उसको यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत दूर है, जैसे सिटी सेंटर से बहुत दूर है, 30 मिनट लग जाते हैं, तो कैसे आएगा मतलब मंथली बेस पे? मंथली बेसिस पे पहले तो तीन बस रहती है, 25 नंबर, 35 नंबर और 34 नंबर की बसेस रहती है यूनिवर्सिटी आने के लिए, जो तीन अलग अलग रास्तों से आते हैं। आने के तीनों रास्ते बहुत सुंदर हैं तो मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा अगर मंथली आना है मंथली बेसिस पे तो 28 दिन का बस पास बनता है और 14 दिन का भी बस पास बनता है। 28 दिन का £51 बनता है पर फॉर आफ्टर स्टूडेंट डिस्काउंट जो मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें आपको ट्रैम पूरे महीने भर के लिए ट्रैम में घूम सकते हो, बसेस में घूम सकते हो जो अपने मरून कलर की रहती है और ब्लू कलर की बसेस में घूम सकते हो, और नाइट में भी ट्रैवल कर सकते हो और नाइट ट्रैवल भी इंक्लूडेड रहता है। तो बहुत £51 में बहुत अच्छा है, आप मतलब सिटी सेंटर में भी रहते हो तो यहाँ पे ट्रैवल करना है तो आपके लिए बेस्ट है वो मंथली बस। अगर आपको कैंपस आना है डेली मतलब आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आ सकते हो, या फिर आजू बाजू कोई आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो जिससे आप तभी भी आपको तो बस से आना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अकोमोडेशन से बहुत दूर है। तो अभी पहले तो अपन आपको पहले टूर देते फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो भाई को पूछते रहेंगे, सही बात क्या? नहीं मेन बिल्डिंग कहाँ है भाई? अभी पीछे गई तो इधर क्यों आया भाई? ये देखो इसको देखो जरा थोड़ा, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आते क्या? नहीं बहुत है ना, एक अभी यहाँ पे मेरी फ्रेंड ब्रूइंग की स्टूडेंट ही बाहर बैठी हुई है जो मस्त दारू वारू उनकी क्लास में, सबसे पहले दारू चखने से ही चालू होती है क्लास। ये दारू अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारी गारमेंट चनूने काट रहा है भाई। फैमिली कंटेंट है क्या? अरे तो मैं तो कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो ब्रूइंग के कोर्स के लिए आते हैं। अच्छा उनका वो भी कोर्स है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हाँ तो जो ब्रूइंग के कोर्स के लिए आते हैं उनकी क्लासेस हमेशा सबसे पहले उनको एक दारू के ग्लास दिए जाते हैं। अच्छा। उनको पता लगाना होता है क्या फ्लेवर है और कौन सी कंपनी से आया हुआ है। अच्छा वहाँ से चालू होती है। तो मतलब यहाँ सोच रहे हो दारू बनाने के क्लासेस है यहाँ पे? अनदर लेवल फील। वाइवा तो बहुत गजब होता है वो कोर्स का, कोर्स अपना भाई अपनी बिल्डिंग ही वही है भाई, ये अच्छे मेन बिल्डिंग है भाई। देखो तो भाई मेन बिल्डिंग में एकदम जेम्स वॉट भाई, इसका क्या दुबई में भी मलेशिया में भी है क्या? हाँ दुबई और मलेशिया में। क्या बात, बहुत बड़ा दिख रहा है। सिर्फ यूके में इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक ऑर्कनी कैंपस, एक स्कॉटिश बॉर्डर्स और एक ये। भाई ब्रांड एम्बेसडर बना दो इसको। ऐसा वैसे यहाँ पे सब ऊपर से दिया हुआ है ताकि लोगों को ना वो नहीं हो कन्फ्यूजन की कौन सी
बिल्डिंग कहाँ पर है। कौन से कोर्सेज है, मतलब इतने सब पूरे मत नहीं जानने मेरे को, उसका वेबसाइट पे जाके चेक करो, बट स्पेसिफिक जो तुझे तुझे पता है, मतलब अच्छे है, रैंकिंग उनकी अच्छी है। सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज देखे हैं, सीपीएम, एमबीए करते, बिजनेस मैनेजमेंट करते, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, फिर उसके अलावा डिस्टिलरी का बताया था मैंने आपको, ब्रूइंग वगैरह, उसके अलावा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह और बहुत सारे हैं, उसके अलावा रोबोटिक्स है, ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोबोटेरियम है जिसके लिए बहुत फेमस है, एडिनबरा यूनिवर्सिटी और हेडेडवर्ड का कोलैबोरेशन है, जो सबसे नई बिल्डिंग जो अभी बन रही है, हम लोग लास्ट में जाएंगे उधर, वो सब भाई पूरा लैब वैब दिखाते थोड़ा, रोबोटिक्स का हमारा कोर्स है, वो दिखाते अकोमोडेशन के बारे में दिखा देंगे अपन। अच्छा ये जो नहीं, जो यहाँ पे सबसे महंगा वाला है ना, क्रिस्टीना मिलर सबसे महंगा वाला है। अच्छा ये अकोमोडेशन से भाई, अगर जिसको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन चाहिए तो आप इधर भी ले सकते हो, उनका कितने उनका मंथली अकोमोडेशन? मंथली अकोमोडेशन स्टार्ट होता है 530 pounds सब रहता है उसमें पर मंथ। अच्छा पर मंथ, लेकिन मैक्स जो महंगा जाता है वो 1060 जाता है, महंगा जो सबसे महंगा वाला है वो यहाँ पे क्रिस्टीना मिलर हॉल्स, ये वाला क्रिस्टीना मिलर हॉल जो सबसे महंगा है, सबसे पॉश है। स्टूडेंट सर्विस सेंटर है, यहाँ पे आपकी क्वेरीज वगैरह सब आपकी वो होती है, यहाँ पे फाइनेंस टीम भी यहीं पे ही है अंदर, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, कभी कभार एक एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है, कभी 15 मिनट बाद भी मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत बिजी चलता है। कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाउट्स हो तो इधर क्लियर कर सकते हैं। ये है अपना, आप आओ, जो कपल्स लोग है, वो सिंगल लोग भी है, यहाँ पे आके बैठो, चिल करो, मस्त धूप निकली है, कितना अच्छा लगेगा। सोच अभी हमारा लक इतना है नहीं, विडुल भाई तुम्हारा क्या सीन है? अपना भी लक नहीं, लेकिन हम यहाँ पे दोस्त वगैरह आके चिल आउट करके मस्त रात रात भर बैठ के भाई बारबेक्यू हो जाए, क्या मजा आ जाएगा। यहाँ यहाँ पे सब वर्कशॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप्स या मैकेनिकल वर्कशॉप्स है अंदर यहाँ पे, और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी अंदर लैब में। और अगर किसी को कंपोनेंट चाहिए हो प्रोजेक्ट के लिए तो मिलता है क्या? कंपोनेंट इशू हो जाते हैं आपके नाम पे, जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, आप चाहे तो कंपोनेंट्स घर भी लेके जा सकते हो, इवन यहाँ पे जो रोबोट्स हैं आप वो भी घर पर लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लैब में यूज करो, यहाँ पे इतनी फ्रीडम है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स देती है, खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट्स इंडिया में भी महंगा है, यहाँ पे महंगा है, तो आपको प्रोजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी जब तक आपको प्रोजेक्ट करना है तब तक के लिए आपको कंपोनेंट्स आपको दे देती है आपके नाम पे, फिर बाद में यूनिवर्सिटी को वापस रिटर्न करना था, लेकिन आपको कभी खुद का कुछ ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है कुछ भी प्रोजेक्ट या एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। जैसे मैंने भी, हमारा भी प्रोजेक्ट था राजबेरी पाई पे था, तो हमें भी यूनिवर्सिटी से लेके आया था, क्योंकि राजबेरी पाई अराउंड 70 pounds का मिलता है अराउंड, मतलब इंडिया के 7000 पे। तो देखो क्या फ्रेंडली है, देखो उसको मस्त तो खिला रहा है यार, नाइस वंस। चलो और पूछना है भाई से कि अगर किसी को आना हो इंडिया से तो एडमिशन कैसे लेना, क्या प्रोसेस है उसका, क्या क्या आपने किया था, कौन सी एग्जाम्स दी थी, वो बताओ एक बार जरा थोड़ा दर्शकों को। यूजुअली IELTS की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा TOEFL के स्कोर्स भी चल जाते हैं यूनिवर्सिटी में। यूजुअली लोग कोई इनके एक कंसल्टेंसी इसके थ्रू अप्लाई करते हैं। हाँ, पर वो अप्लाई मत किया करो यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कोर्स सर्च किया, उसमें अप्लाई ऑप्शन था, वहाँ पे अप्लाई ऑप्शन करके डायरेक्ट सिंपल आपकी सिर्फ डिटेल्स ही भरनी होती है ऑनलाइन, वो डिटेल्स भर दो और सिर्फ एडमिशन लेटर के अप्रूवल का वो वेट करना होता है। हाँ। पहले आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है जिसमें आपको अगर आपकी कोई डिटेल्स मिसिंग होगी तो वो सब प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर आपका पास सर्टिफिकेट होता है कोई प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो प्रोवाइड करना होता है, और साथ में कुछ इनका बेसिक पे होता है आपकी सीट बुकिंग के लिए वो करना होता है। हाँ, जैसे हमारे यूनि का 1000 pounds था, 1,00,000 rupees, हमारी यूनिवर्सिटी का 4,000 pounds था सीट बुकिंग का, और उसके बाद में फिर आप अप्लाई, उसके बाद में फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर और साथ में कैश देते हैं, वो कैश के लिए उनको अलग से मैसेज करना पड़ता है कि अब हमने फीस इतनी पे कर दी है बुकिंग की,
तो आप हमें कैश इशू कर दो, और कैश इशू करने के बाद में आप वीजा के लिए अप्लाई करो। वीजा का प्रोसेस मैंने बताया हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो वीडियो, वो वीजे अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं। आप 60,000 कोई कंसल्टेंसी को मत दो, खुद से आप अप्लाई कर सकते हो। 60,000 यहाँ आके पैसे उड़ाओ, मस्त ऐश करो यहाँ, क्योंकि घूमो। कंसल्टेंसी से अप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं है, उन लोग आपसे पैसा लेते हैं, उतना ही कंसेशन, उतना ही सेम पैसा उन लोग को वहाँ से भी मिलता है यूनिवर्सिटी से। इससे अच्छा हमारे दो जगह से पैसा लगे, उससे अच्छा तो हम खुद ही अप्लाई कर ले, पैसा भी बचेगा और साथ में और नॉलेज भी मिलेगा कि कैसे क्या चीजें अप्लाई होती है। और एक क्वेश्चन, ऑफर लेटर कितने दिन में आता है अप्लाई करने के? एक एंड डेट होता है कि उसके पहले अप्लाई कर दो, फिर सारी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है जो सब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। तो डिपेंड करता है, अगर आपका कोर्स बहुत फेमस है तो ज्यादा लोग एप्लीकेशन करेंगे तो टाइम लग सकता है, 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है। अच्छा। अगर आपका कोर्स ऐसा है जो बहुत कम लोग करते हैं लेकिन बहुत अच्छा कोर्स भी है उस यूनिवर्सिटी का, तो आपको 15 दिन के अंदर भी आ सकता है ऑफर लेटर। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये इंजीनियरिंग वाली है, आप यहाँ से आ सकते हो। ये तो एक बात अच्छी है, देखो ये रोबोट का रोबोटोरियम सही बन रहा है भाई, जब बनेगा तब तो बहुत आगे जाएगा। ये बैचलर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, अब उसके बाद जॉब का आता है। जॉब का, अब जॉब क्या प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी? तो जॉब प्रोवाइडेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इनका एक है जहाँ पे हर जगह काउंसलर्स हैं, हर एक स्पेशलिटी फील्ड के इन्होंने काउंसलर्स लेके रखे हैं। तो वो हमें हमारा CV चेक करके बताते हैं कि CV प्रॉपरली बनाए कि नहीं, कवर लेटर कैसे क्या बनाना है। उसके अलावा ऑनलाइन इन्होंने अपना खुद का पोर्टल भी डाल रखा है, जहाँ पे कुछ कंपनीज आती है अपनी जॉब लेकर, तो वो जॉब के लिए हमें खुद से अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले आपके लिए जॉब लेकर आएंगे। स्पून फीडिंग नहीं करते इंडिया जैसे कि कंपनी आ रही है आपको लेके जा रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सब प्रोवाइड करते हैं। CV बिल्ड करा के देते, सब कुछ करा के देते, सब कुछ मतलब अप्लाई आपको करने, आपको इंटरव्यूज आपको देने, आपको कौन से फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस में, वो आपको सब चूज करना है। और किसी को अगर GP रजिस्टर करने है, पहली बात तो जिसको GP पता नहीं है, GP मतलब यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ आप अगर आपको कुछ बीमारी हो जाती है या फिर डेंटल चेकअप कराना है तो आप यूनिवर्सिटी से आप टाइप करके आप इनको दिखा सकते हो। तो उसका क्या प्रोसेस है भाई? कुछ नहीं, यहाँ पे इनके यहाँ वॉक इन, इनके पास फॉर्म्स होता है और आपके आपके ज़िंदगी भर में जितने भी वो पोलियो वोलियो और अलग अलग प्रकार के वो लिए होते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, वो सब आपको उसमें लिखना होता है, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन, पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है आपको क्या हुआ है, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, और फिर उस पर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर आप 26 ईयर से नीचे है तो डेंटल आपका पूरा फ्री है। तो ये वाली बिल्डिंग है हेल्थ सेंटर, अकोमोडेशन से अच्छा, ये एक ही है बाकी सब पीछे भाई एकदम मस्त आराम कर रहे धूप में। तो ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा है भाई विलियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल टीम्स भी प्रैक्टिस करती हैं उनके मैच के पहले। बहुत बड़ा दिख रहा है, चलो अंदर दिखाते क्या सीन है। तो अगर किसको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी हो या फिर स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड है अगर जिसको आना हो, मेंबरशिप का चार्ज कितना है? मेंबरशिप ईयरली है 200 pounds के आसपास है, जहाँ पे आपको जिम और कुछ स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन बास्केटबॉल वगैरह फ्री में मिलते हैं। उसके अलावा जो मेन स्पोर्ट्स है रग्बी या फुटबॉल क्रिकेट वगैरह, उसका अलग से साल का 10 pounds देना पड़ता है पर गेम पर के हिसाब से। पर बहुत बड़ा तो है करते, जिसको अगर स्पोर्ट्स में जिम आना है तो आप जरूर ले सकते हो। बस एक ही ड्रॉबैक है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्विमिंग नहीं, तो स्विमिंग वाला स्विमिंग नहीं है। अरे 200 pounds भी तो, और स्विमिंग भी नहीं। तो ठीक है, जिसको अगर स्विमिंग नहीं करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सब इंटरनेशनल गेम्स वगैरह उधर ऊपर जजेस बैठते हैं, ऊपर या फिर कैमरामैन वगैरह। इसको अगर टेबल टेनिस बहुत पसंद है, दिस इज फॉर यू। तो ये इंडोर फुटबॉल स्टेडियम है, ज़्यादातर तो पूरा टूर दे दिया है, मतलब मेन मेन बिल्डिंग्स और जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो तो दे दी आप लोगों को। अगर और आपको कुछ डाउट्स हो आप कमेंट्स करो या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करो। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में भी नहीं रहना, तो अगर बाहर प्राइवेट में रहना है या फ्लैट्स में रहना है, तो कैसे बुक करना चाहिए?
तो हमने तो स्टार्टिंग में हमारे फ्रेंड सर्कल बनाए थे, जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, फिर हमने सब ढूंढना चालू किया फेसबुक इंस्टाग्राम, और फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इंडियंस इन एडिनबरा उस टाइप के, ग्लासगो वाले, ग्लासगो के ऐसे, वहाँ पे आप ओनर्स ढूंढ सकते हो जो ऑलरेडी बहुत 10-10, 20-20 साल पहले आए हुए हैं यहाँ पे, सेटल हो चुके हैं, उनके पास 3-3, 4-4 घर होते हैं, वो लोग जो रेंट पे चढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए, तो सस्ते पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के मुकाबले। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं क्योंकि बहुत बड़ा बन गया, और चले फिर, आपको ये वीडियो किसी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, मिलते हैं, चले बाय, चलो बाय बाय बोल दो। Bye, 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 bye,